शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में छात्राओं के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार बल्कि छेड़छाड़ भी की गई थी। पीड़ित छात्राओं ने एक छात्र संगठन से जुड़े छात्र नेताओं समेत 6 छात्रों के खिलाफ नामजद शिकायत प्राचार्य से की थी। शिकायत में छात्राओं ने कहा कि 28 अप्रैल को योगा हॉल में कॉलेज के वार्षिकोत्सव की तैयारियां की जा रही थी। तमाम छात्र छात्राएं मौजूद थी और तभी नामजद छात्रों के गुट के रूप में वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। वार्षिकोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अपशब्द कहते हुए योगा हॉल में रखे साउंड बॉक्स से भी छेड़छाड़ की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें छात्राओं के साथ खुलेआम अभद्रता की जा रही है। छात्र छात्राओं के चीखने चिल्लाने की आवाज वीडियो में स्पष्ट सुनाई दे रही है। उनके साथ मारपीट का प्रयास किया गया। वीडियो में दोनों ही तरफ से छात्राओं में झूमा झटकी भी की जा रही है। एक तरफ छात्र सहपाठी छात्राओं को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि इस मामले में महाविद्यालय के प्राचार्य से चर्चा नहीं हो पाई। इधर पीड़ित छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन को 28 अप्रैल को ही इस मामले की शिकायत कर दी थी, लेकिन अधिकारियों ने आरोपी छात्रों और छात्र नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों ने शिकायत को दबाने का प्रयास किया। छात्राओं का कहना है कि उनके साथ किए गए अमानवीयता पूर्वक व्यवहार को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते आरोपी छात्रों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हालांकि गत दिवस आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के जबलपुर आगमन के बाद कॉलेज प्रशासन ने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।